गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है हमारा वैंकूवर में डे 3 और आज हम जा रहे हैं कैपिलानो। कैपिलानो में बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज भी है एंड देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ यू कैन डू देयर। एंड वी आर गोइंग बाय शटल बिकॉज पहले हमने सोचा था कि हम कार रेंट कर लेंगे, बट फिर हमें पता चला कि यहाँ डाउन टाउन में कैनेडा प्लेस से फ्री शटल्स चलती हैं कैपिलानो के लिए, जो एवरी 15 मिनट्स में चलती है, यू नो, और वहाँ से भी रिटर्न भी हर 15 मिनट में होती है। तो फिर हम सोचा कि दैट्स द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वहाँ पे है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लाइक हर 15 मिनट में बस चल रही है। अगर 15 मिनट अगर उस टाइम अपने मिस करते तो अगेन 15 मिनट्स में आ जाएगी। सो अभी बस हम वहीं जा रहे हैं कैनेडा प्लेस, वहाँ से हम लोग हमारी शटल लेंगे। वैसे यहाँ पे 2-3 स्पॉट्स और हैं लाइक जो भी, अगर आप जहाँ पर भी आप ठहरें, अगर आप चेक कर सकते हैं आपके नियर बाय होटल से कौन सा स्पॉट्स पास में है, सो यू कैन गो एंड बोर्ड द बस फ्रॉम देयर। सो हम तो कैनेडा प्लेस जाके बस बोर्ड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ से सीधा रास्ता हमारा जा रहा है। सो बस अभी हम जा रहे हैं कैपिलानो और हम भी जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं वैंकूवर कैपिलानो। हम कैनेडा प्लेस में, हम होटल ब्लू हॉरिजन के स्टैंड के यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज अभी कैनेडा प्लेस से हाफ डिस्टेंस है ये हमारे होटल से। हमारा होटल है द वेस्टर्न बे शोर, वहाँ से ब्लू हॉरिजन होटल का जो स्टॉप है वो ज़्यादा नियर बाय है हमें रेदर देन कैनेडा प्लेस। सो वी केम हियर, अभी 11:15 हो रहे हैं, 11:25 पे हमारी शटल आएगी, सो विल बोर्ड दैट शटल। Yep, and don't forget to subscribe our channel and bell icon. And one thing I want to show you guys. ये देखिए, इस तरह से कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज पार्क जाने के लिए इस तरह से ये शटल का आपको शेड्यूल मिल जाता है। सो दिस इज़ द शेड्यूल। तो आप यहाँ पे ये अलग अलग स्पॉट्स दे रखे हैं, कैनेडा प्लेस, हयात एजेंसी, ब्लू हॉरिजन, तो आप जहाँ पर भी रुक रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक विच वन इज़ नियर बाय टू योर होटल। हाँ, मतलब इट्स अप टू यू। अगर आप वहाँ पर रुके हैं, अगर किसी होटल में इधर आस पास, यू कैन चेक दिस फ्री शटल स्केड्यूल। Where is he? चलो
सो गाइस वी आर एट कैपिलानो नाउ और हम लोग एंटर कर चुके हैं और एंटर करते ही आपने देखा था अखिल एक जगह स्कैन कर रहे थे. सो वो स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप भी जब अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे अपने फ़ोन से स्कैन कर लीजिए तो वो आपको पूरा कैपिलानो का अंदर का पूरा मैप आपको उसके अंदर मिल जाएगा. सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आपको कहाँ पर जाना है और अभी आप राइट नाउ कहाँ पर हो एंड यू हैव वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू गो. सो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. अदरवाइज देर आर चांसेस कि यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, गुम हो सकते हो, क्योंकि काफ़ी यू नो भूल भुलैया जैसा लग रहा है. सो इट्स बेटर टू गेट स्कैन ऑल दोज थिंग्स. एंड अभी यहाँ पर आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड, तो लाइक टेंशन की बात नहीं है बिकॉज काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं अंदर, वॉशरूम्स हैं. सो देर इज़ नथिंग टू वरी. खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है बिकॉज अभी रेस्टोरेंट देख के आरुष को भी भूख लग गई है. सो दे आर गेटिंग फ्राइज और बस अभी हम वेट कर रहे हैं खाना पीना सब ख़त्म हो तो फिर हम जाएंगे सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज. सो एज आई सेड यहाँ पे आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड, तो ऐसा नहीं है कि आपको खाने के ऑप्शंस नहीं हैं. देर आर मैनी रेस्टोरेंट्स हियर सो यू कैन गो एंड ग्रैब योर स्नैक्स. अभी आरुष भी वहाँ पर दे आर टेकिंग फ्राइज. ब्लॉगर्स ग्रुप सो दे आर टेकिंग फ्राइज बर्गर्स और उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारे सस्पेंशन ब्रिज पे. Yum, yum. Eat the burger first. You can sit here. Like it? कैसे खा रहा है जैसे होटल से ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है. Don't jump, okay? Oh my God. So we have to come back from the same bridge. Wait. My God, it's too high. देखो कितना नीचे. वहां से हम लोग आ रहे हैं. कहाँ जाना है हम लोग? यहाँ है ये वाला जो है ये ऊपर वाला सर्कल. हाँ हाँ. और ये वाला जो है ये नीचे वाला है ये सर्कल. ओके ठीक है. पहले ऊपर चले ऑल वाले में है. इसमें चले नीचे वाले में? पहले नीचे या पहले ऊपर चलते हैं? चलो. ये क्या है? ट्री टॉप. इट्स काइंड ऑफ ट्री हाउस. Attention, extreme nature ahead. Tree house जा रहे हैं फिर अपन. Hmm.
Fish eggs. Pop fish eggs. ये देखो आरुष को बिल्कुल ट्री हाउस वाली फीलिंग आ रही होगी. सस्पेंशन ब्रिज काइंड ऑफ बस छोटा वाला. माय गॉड तो ये पूरा यहाँ से ब्रिज टू ब्रिज यू हैव टू क्रॉस. ओ माय गॉड एकदम जंगल वाली फीलिंग है. वो देखो वहां पे यहां से जाके वहां पे फिर से एंड देन अगेन यू हैव टू टेक अ ब्रिज. ऐसे 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 पूरा जाएगा. काफी मजा आ रहा है और ये बहुत बड़ा है. मतलब मैं ऑब्वियसली आपको सब कुछ कैप्चर करके नहीं दिखा सकती हूँ बट मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर कमिंग टू वैंकूवर फॉर द वेकेशन देन मस्ट कम. Like आपका पूरा दिन आप यहीं वीकेंड स्पेंड किया. सो गाइज अभी हमारी नेचर एज रोड वॉक तो कंप्लीट हो गई है और अभी यहाँ पर ऊपर के साइड भी काफ़ी लाइक स्नैक्स के लिए ऑप्शंस हैं. यू कैन ग्रैब समथिंग बिकॉज अभी आरुष को कुकी खाने का मन किया है. सो वी आर टेकिंग कुकीज. सो अब उसके बाद हम सस्पेंशन ब्रिज पे वापस जाके फिर नीचे जाके अगेन एक और ट्रेन लेने वाले हैं तो फिर हम उसकी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गो. एंड आई मस्ट से वैंकूवर में अभी तक लाइक हमने जहाँ जो जो भी खाया है इट्स वेरी यम्मी. इट्स वेरी टेस्टी. मतलब यहाँ खाना सही में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है. नॉट ओनली इंडियंस हमने लाइक चाइनीज वगैरह भी ट्राई किया है. इट्स यम बहुत टेस्टी खाना है वैंकूवर में. एंड यहाँ वैंकूवर के डाउन टाउन में इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत है. लाइक इंडियन फूड का ऑप्शन भी बहुत है. Here you go. Oh, so sweet.
फ्रेंडली स्क्विरल और यहाँ देखो फिश गोइंग बैक टू सस्पेंशन ब्रिज अगेन और उसके बाद क्या करेंगे यार अखिल फिर दूसरे सस्पेंशन पे चलेंगे दूसरी क्लिफ हम वहां जाएंगे तो हम वहां जा रहे हैं तो मतलब यहाँ आते हैं तो वॉकी वॉकी करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए खा पी के आइए But just look at the view, my God. फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं सस्पेंशन ब्रिज से इस पीछे वाले से अब हम लोग जा रहे हैं अनदर वॉक दैट इज क्लिफ वॉक सो अब यहाँ पे हम लोग अपनी वॉकिंग स्टार्ट करेंगे सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा रहा बहुत फन रहा दो इट्स अ लाइक क्वाइट अ लॉन्ग वॉक बट मज़ा आ गया अच्छा लगा काफ़ी अच्छा लगा मतलब एकदम पूरा फॉरेस्ट का थीम एंड यू नो वो जो ऊपर हर लाइक छोटे छोटे ये तो बड़ा वाला सस्पेंशन तो है ही उसके बाद आगे जाके भी आपको यू नो छोटे छोटे सस्पेंशन ब्रिजे से क्रॉस करके ट्री टू ट्री यू हैव टू वॉक सो पूरा ट्री हाउस वाली फीलिंग आ रही है जो बचपन का मेरा ड्रीम था ना ट्री हाउस तो कभी टी वी में ही देखा है तो वो एक फीलिंग आ रही थी तो अच्छा लग रहा था तो अब हम जा रहे हैं क्लिफ वॉक स्टेयर्स हैं। ये देखिए किस तरह की पूरी राउंड राउंड स्टेयर्स हैं। सच में आज तो लग रहा है कि फुल ट्री हाउस ट्रिप हो गई है इट्स अमेजिंग ये देखिए यहाँ से पूरा वहाँ से हम लोग पूरा वॉक करते हुए ऑल द वे टू हियर ये काफ़ी अच्छा स्पॉट है फोटो एंड वीडियो के लिए यहाँ पे आ जाओ और अभी हमको वहाँ चढ़ के जाना है ऊपर पहले तो यहाँ का देखो नीचे कितना माय गॉड नहीं नहीं टूटेगा यार स्पॉट बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया ही होगा नाइस प्लेस चलो मैं फोटो खींचती हूँ तुम लोग जोर से बोलो
सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, फाइनली पूरे 2.5 घंटे वॉक करने के बाद सारा खाना हमारा पच चुका था और अभी हम फिर से यहाँ बैठ के सब खाना पीना चल रहा है। अभी सब ने आइसक्रीम खा रहा है और हम लोग फिर से वही बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खा रहे हैं। अब बस अब खा पी के फिर वापस हम हमारी रिटर्न बस पकड़ेंगे, है ना, और अब हम वापस जाएंगे होटल। उसके बाद का क्या प्लान है आगे? उसके बाद का क्या प्लान है? सोएंगे और उसके बाद इंग्लिश में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से जाएंगे अभी होटल, फिर इंग्लिश पे भी चलेंगे, हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। अब तक हम करते हैं पेट पूजा।
beautiful shell. Where? Look, this is like a butterfly. Yeah. And this is like a whale's tail. And this is like a bird wing. This is like a moon. Good job. These shells I found. I'm gonna clean my box. So guys, this is English Bay Beach and देखा आपने कितना beautiful लग रहा था sunset. तो यहाँ पे लाइक पूरा यू नो सब लोग यहाँ पर सनसेट देखने के लिए बहुत आए हुए हैं. देखो पीछे कितने लोग हैं, ये सब अभी सनसेट देखने के लिए आए हुए थे. बस अब सब सनसेट हो चुका है. नाउ एवरीबडी आर पैकिंग देयर स्टफ एंड दे आर लीविंग और हम भी लीव कर रहे हैं. अब बस जाके कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खाते हैं एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर द डे. सो दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर डे टुडे. आई होप आपको अच्छा लगा हो. चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे. सो टिल देन टेक केयर. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.